नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनाली। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ करके हर देशवासी को 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा फहराने के लिए अनुरोध किया, जो कि हर देशवासी को अपने देश के लिए करना भी चाहिए। लेकिन विपक्ष कहां बाज आने वाला है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो राजनीति से तब से गायब है, वो सुर्खियां बटोरने के लिए अब तिरंगे पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए हैं। कुशीनगर में समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य स्वामी प्रसाद मौर्य ने हर घर तिरंगा अभियान पर गंभीर सवाल उठाते हुए अल्पसंख्यक समुदाय को सचेत रहने को कहा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी घरों पर तिरंगा लगाने के बहाने अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश रच रही है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत शरारती तत्वों के गुंडे अल्पसंख्यक बस्तियों में जाएंगे और तिरंगे को पैरों से कुचलेंगे, लेकिन इसका दोष मुस्लिमों पर मढ़ा जाएगा। चुनाव से पहले बीजेपी से अलग होकर अखिलेश यादव की साइकिल की सवारी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अगर बस्तियों में तिरंगा लगाने कोई भी युवक जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उसकी फोटो जरूर खींच लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि ऐसा हर अल्पसंख्यक बस्तियों में किया जाएगा, इसलिए साजिश से बचने के लिए मुसलमानों को अपने घरों पर तिरंगा खुद लगा देना चाहिए। भाजपा पर हमलावर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आज हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम करके समाज को बांटने का काम कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने एक होकर देश को आजादी दिलाई। एक तरफ जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा की हुंकार भरी थी, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी लाठी लेकर देश को आजाद कराने निकल पड़े। उन्होंने आगे कहा कि देश को आजाद करने के लिए सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे कई नायकों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कई महिलाओं ने भी अंग्रेजों को परास्त करके देश को स्वतंत्र कराने में बड़ी भूमिका निभाई। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी तिरंगा अभियान को लेकर सवाल खड़े किए थे और आशंका जताई थी कि इसकी आड़ में बीजेपी माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।